नमस्कार दोस्तों, आज हो गया रविवार 16 दिसंबर। सुबह सुबह के ताज़ा मुख्य समाचार। बैंक 21 से 26 तक बंद। जियो ने 251 वाले ऑफर ने उड़ा दी सबकी नींद। सोना चांदी के भाव, अन्य बड़ी खबरें और बर्फीली हवाओं से भयंकर ठंड एमपी में। अन्य बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले खबर निकल कर आ रही है, 251 वाले ऑफर ने उड़ा दी सबकी नींद, अब लंबी वैलिडिटी के साथ ज़्यादा डाटा। रिलायंस जियो द्वारा पिछले दो सालों में काफ़ी कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं तथा और बहुत तेज़ी से ग्राहक जोड़ने वाली सबसे पहली कंपनी बन चुकी है। जियो द्वारा कम समय में टेलीकॉम मार्केट में इस कदर जगह बना ली है कि दिग्गज कंपनियों को भी धूल चटा दी है। जियो के सस्ते और लाजवाब ऑफर ग्राहकों के दिलों को इस कदर भा गए कि ग्राहक जियो की तारीफ करते नज़र आते हैं। जियो के आने से पहले टेलीकॉम मार्केट की हालत बहुत ख़राब थी। 1 GB डाटा के लिए 300 रुपये से 400 रुपये देना पड़ता था। कॉलिंग के लिए अलग से तथा SMS के लिए अलग से, रोमिंग के लिए अलग से तथा डाटा के लिए अलग से भारी भरकम कीमतें वसूली जाती थी। लेकिन जियो कंपनी द्वारा एक ही प्लान में सभी तरह के बेनिफिट सस्ती कीमतों में उपलब्ध करवाए गए हैं। जियो के जिसके चलते दिन प्रतिदिन ग्राहक जियो के साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। रिलायंस जियो कंपनी द्वारा टेलीकॉम मार्केट में 251 वाला शानदार ऑफर प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि इन दिनों सबकी नींद उड़ाए हुए है। जियो के इस ऑफर में जियो ग्राहकों को प्रतिदिन 2 GB डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इस ऑफर की वैलिडिटी 51 दिनों की रहेगी। जियो के इस ऑफर में कुल मिलाकर 102 GB डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। कीमत के हिसाब से इस ऑफर में ज़्यादा डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस वजह से है ऑफर काफ़ी धूम मचा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश में 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक पब्लिक को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या का कारण है कि इस बीच में बैंकों का काम बंद होना और इसी में कुछ दिनों तो बैंक बंद रहेंगी और कुछ दिन पब्लिक वर्क नहीं होगा। जाने क्या है कारण। 21 दिसंबर को बैंक कर्मियों की हड़ताल रहेगी। 22 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार है, 23 को रविवार पड़ रहा है और 24 बैंक खुलेंगे पर पब्लिक से जुड़े काम नहीं होंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 26 तारीख को यूनाइटेड फोरम की एक और हड़ताल है। इस तरह से 6 दिनों में पब्लिक को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब BEd शिक्षक बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, बस पूरी करनी होगी ये एक शर्त। प्रशिक्षित युवाओं में प्राथमिक स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कैबिनेट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के हजारों बेरोजगार BEd प्रशिक्षितों से राहत की सांस ली है। अब 2 वर्षीय BEd DLED कोर्स करने वाले प्रशिक्षितों के साथ, लेकिन शर्त यह है कि BEd प्रशिक्षितों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। साथ स्नातक परीक्षा में 50% अंक भी जरूरी हैं। कैबिनेट ने प्राथमिक शिक्षकों के ब्लॉक स्तरीय संवर्ग को भी समाप्त कर दिया है। सभी शिक्षक जिला स्तरीय संवर्ग में शामिल किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि BEd प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे समय से नियुक्ति की मांग उठा रहे थे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वचन पत्र के वादों के लिए सरकार को 1 माह समय, फिर होगा आंदोलन। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बैठक का आंदोलन रुक किया साफ। नई सरकार में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का होगा गठन, निरंतर संवाद जारी रखने पर होगा जोर। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि वचन पत्र में कर्मचारी मांगों को ध्यान में जरूर रखा गया है, लेकिन प्रदेश में नए मुखिया कमलनाथ ने अब तक अपने बयानों में सिर्फ किसान व युवाओं को ही प्राथमिकता देने की बात की है। कर्मचारियों से संबंधित मांगों को लेकर अब तक किसी भी बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में अलग अलग मांगों को लेकर बैठक में विचार मंथन किया गया है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि कर्मचारी संगठन एक नया मोर्चा बनाएगा। जल्द ही तमाम कर्मचारी संगठन राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तब खत्म हो गया था संवाद, अब उसी पर जोर देंगे। 10 दिनों के भीतर पत्राचार के माध्यम से कर्मचारी ध्यान आकर्षण करेंगे। इसमें मांगे व संवादों की स्थिति बनाए रखने की बात कही जाएगी। 1 माह बाद शुरू होंगे आंदोलन। कर्मचारी नेताओं के निर्णय लिया गया वचन पत्र में मांगों का आदेश जारी करने के लिए सरकार को 1 माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद मांगें पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किए जाएंगे। साथ ही मांगों पर कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए भी प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। ये हैं प्रमुख मांगें। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन व भत्ते, सभी कर्मचारियों का समयमान वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति। और अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश और गिरेगा तापमान। बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है और इसी क्रम में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात मंडला, खजुराहो, नौगांव और पचमढ़ी को रात तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। उधर शुक्रवार को
इंदौर में दिन का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री से सेल्सियस कम है, जिसके चलते इंदौर में शीतल दिन कोल्ड डे रहा। उधर राजधानी में सीजन का रात का सबसे कम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसी तरह को दिन का तापमान अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। इस है सीजन का दिन सबसे कम तापमान है। इंदौर में शीतलहर के कारण स्कूलों का समय बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ हुई जबरदस्त बर्फबारी के साथ हवा का रुख भी उत्तरी हो गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है और शुक्रवार को भी सुबह से ही उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रही, जिसके चलते धूप खिली और होने के बाद में हवा में सर्द महसूस की गई। उधर शाम ढलने के बाद लोग आग जलाकर ठंड से जूझते रहे। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि अभी 2-3 दिन ठंड के तेवर और तीखे होने की संभावना है। हवा का पैटर्न उत्तरी और रफ्तार तेजी से होने के कारण रात के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं और पश्चिमी विभोग गुजर जाने के और एक दिन पहले राजस्थान के पास बने प्रेत चक्रवात का असर खत्म होने के कारण हवा का रुख भी लगातार उत्तरी बने रहने की पूरी संभावना है। इससे कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब देश भर में नहीं हो सकेगी ऑनलाइन दवा की बिक्री, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने पर पूरे देश में रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश ने जहां नेटमेड्स और 1MG जैसी कंपनियों को झटका लगा है, वहीं लाखों खुदरा दुकानदारों को राहत मिली है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन दवा बेचने पर अंतरिम रोक लगाई थी। रोक लगने के बाद सबसे ज़्यादा असर ई कॉमर्स कंपनियों पर पड़ेगा, जो पूरे देश में ऑनलाइन दवा की बिक्री करती हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा था कि खराब और बिना रेगुलेशन के दवा बेचने से आम लोगों के जीवन पर काफ़ी खतरा मंडराता है। इसी को देखते हुए एसोसिएशन ने कोर्ट से मांगा कि ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक लगा दी जाए। अगली बड़ी खबर निकल कर आई, ज्वेलरों के बीच मांग घटने से सोना हुआ सस्ता। स्थानीय ज्वेलरों में मांग घटने से शनिवार को रात राजधानी के सरापा बाजार में सोने का भाव 30 रुपये घटकर 32,190 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया। औद्योगिक इकाइयों और जिसका निर्माताओं की ओर से मांग घटने के कारण चांदी की कीमत भी 200 रुपये गिरकर 38,400 रुपये की प्रति किलोग्राम पर आ गई। राष्ट्रीय राजधानी में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव 30 रुपये घटकर 32,190 प्रति 10 ग्राम पर आ गया और 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव भी 30 से गिरकर 32,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सिमट गया। 8 ग्राम सोने की गिन्नी की कीमत 25,000 रुपये प्रत्येक के पिछले दिन के स्तर पर कायम रही। सरापा कारोबारियों ने कहा कि मौसम में मांग घटने के कारण सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में सोने का भाव गिरकर $1,238 प्रति औंस और 28.35 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी की कीमत $1,457 प्रति औंस है। राष्ट्रीय राजधानी सरापा बाजार में चांदी हाजिर की कीमत 200 रुपये से घटकर 38,400 रुपये की प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जबकि वीकली डिलीवरी की कीमत 76 रुपये घटकर 38,054 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। चांदी के सिक्कों की कीमत हालांकि प्रति सैकड़ा 74,000 रुपये खरीदी और 75,000 रुपये बिक्री के पिछले दिन के स्तर पर कायम रही। साप्ताहिक कारोबारी के नज़रिए से विदेशी बाजार के कमजोर रुझानों और स्थानीय स्तर पर मांग कम रखने से सोने की कीमत में 160 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। चांदी की हाजिर में गत सप्ताह 100 रुपये सस्ती हुई चांदी की वीकली डिलीवरी का भाव पिछले कारोबारी सप्ताह में 446 रुपये गिरा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, RAC प्रतीक्षारत यात्रियों को ऐसे मिलेगा कन्फर्म टिकट, TET को मिला नया डिवाइस। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई सेवा को शुरू किया है, जिसमें ट्रेन में सफर कर रहे RAC और प्रतीक्षारत टिकट धारकों को कन्फर्म टिकट आसानी से मिल सकेगा। रेलवे ने देश भर के चल रहे टिकट निरीक्षकों को अब एक टैबलेट दिया है, जिसकी मदद से वो चलती ट्रेन में सीटों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम बेसिस पर जानकारी अपडेट करा सकेंगे। फिलहाल इस सुविधा को रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेनों शताब्दी और राजधानी में शुरू किया है। इससे उन यात्रियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जो RAC या फिर प्रतीक्षारत टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल इन ट्रेनों में कार्यरत 550 चल रहे टिकट निरीक्षकों को ऐसे टैबलेट
डिवाइस दे रहे हैं। ऐसे करेगा काम, इस डिवाइस के जरिए GPRS के जरिए चार्ट और करंट बुकिंग के बारे में तुरंत जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही यह बीच में पढ़ने वाले छोटे स्टेशनों के चार्ट को भी डाउनलोड कर सकेगा, जिससे यहाँ पर आरक्षण की भी जानकारी मिल सकेगी। हर घंटे की लिस्ट को अपडेट किया जा सकेगा। यात्री किसी भी कोच में यात्रा कर रहा हो, उसके टर्न में होने की सूचना किसी भी डिवाइस से भेजी जा सकती है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, आपसे आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन से क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।